हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वू गैंगजी सीरीज का फोर्थ पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि टियान के साथ एक रोमांचक लड़ाई में जी शाओ मारा जाता है और देवताओं के कहने पर जीफा और उसकी आर्मी शेंग पर हमला बोल देती है। शेंग के सोल्जर्स उनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। देवता भी वहाँ से वापस जाने लगते हैं और शीजिंग बेहोश पड़े जियू को अपने साथ ले जाता है। शेंग के लोग जीफा के सामने सरेंडर कर देते हैं और उसकी आर्मी सिटी में लूटपाट मचाने लगती है। इधर वू गैंग अपने पिता के मरने से बहुत दुखी होता है और उसे लगता है कि अगर टियान बीच में नहीं आता तो वो ये लड़ाई जीत सकते थे। तभी वो देखता है कि जीफा की आर्मी सिटी में आ चुकी है और वो अपनी माँ से यहाँ से चलने को कहता है। डाजी ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और अब वो नहीं बच सकते। वो गैंग उसके सामने गिड़गिड़ाता है कि वो अभी मरना नहीं चाहता, लेकिन डाजी जानती है कि यहाँ से जिंदा निकलना इम्पॉसिबल है। वो गैंग समझ जाता है कि रिक्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। डाजी अपनी पावर से टावर में आग लगा देती है और वो दोनों वहीं ट्रैप हो जाते हैं। वो गैंग गुस्से में अपनी डैगर निकाल लेता है और पूछता है कि आखिर आप ये सब क्यों कर रही हो। डाजी कहती है कि यही हमारी डेस्टिनी है और फिर डैगर छीन कर उसे पकड़ लेती है। वो वू गैंग से कहती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है और जल्दी ही ये सब खत्म हो जाएगा। वू गैंग उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन डाजी डैगर से उसे मार डालती है और कहती है कि वो ऐसा करने के लिए मजबूर है। फिर वो खुद भी आग में कूद जाती है और पूरा टावर नष्ट हो जाता है। तभी शिनयू को उसकी डिवाइन पावर का एहसास होता है और वो टियान को बताती है कि उसकी बहन ने खुद को मार डाला है। यहाँ पता चलता है कि उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी और वो ये जानकर हैरान होते हैं कि तब से वो शेंग किंगडम में ही थी। फिर टियान उसे भविष्यवाणी के बारे में पूछता है कि जी शाओ के मरने के बाद क्या उसे अब और भी कोई खतरा है। तब शिनयू कहती है कि फिनिक्स उस भविष्यवाणी का खास हिस्सा था, लेकिन अब उसे दोबारा हील होने में कई सौ साल लग जाएंगे और तब तक भविष्यवाणी की टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी। वो उसे विश्वास दिलाती है कि देवताओं का राज कभी खत्म नहीं हो सकता और ये सुनकर टियान खुश हो जाता है। फिर वो शिनयू से वापस चलने को कहता है और वो लोग ड्रैगन से हेवन की ओर निकल जाते हैं। इधर हम जलते हुए टावर के मलबे को देखते हैं और अचानक उसमें से वू गैंग बाहर आता है। उसे लगता है कि शायद ये सब एक सपना है, क्योंकि डाजी के मारने के बाद भी उसके शरीर पर कोई घाव नहीं है। फिर वो वहाँ से निकलकर सिटी की तरफ आता है और देखता है कि जीफा के सैनिक लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। उसे पता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो ये मुझे भी मार डालेंगे और वो वहाँ से निकलने की सोचता है। तभी कुछ सोल्जर्स उसी की तरफ आ जाते हैं, लेकिन वू गैंग को हैरानी होती है कि उन्होंने उसे बिल्कुल नोटिस नहीं किया। यही सब सोचता हुआ वो आगे बढ़ने लगता है और देखता है कि एक सोल्जर किसी लेडी को तंग कर रहा है। वो उसे बचाने की सोचता है, लेकिन पता चलता है कि उसकी बॉडी अदृश्य हो चुकी है। तभी डाजी की सोल उससे मिलने आती है और बताती है कि जो कुछ मैंने किया वो तुम्हें यहाँ से बचाने के लिए किया था और मेरा डिवाइन एसेंस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। ये सुनकर वू गैंग खुश हो जाता है कि अब वो अपनी माँ से दोबारा मिल सकता है, लेकिन डाजी बताती है कि डिवाइन एसेंस निकलने के कारण अब वो बहुत दूर जा चुकी है और यहाँ वो उसे आखिरी गुड बाय बोलने आई है। वो बताती है कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आगे की लाइफ तुम्हें अकेले ही बितानी होगी और जल्दी ही तुम्हें एक नया मकसद मिल जाएगा। वो गैंग ये सुनकर उदास हो जाता है और डाजी की सोल गायब होकर आफ्टर लाइफ में चली जाती है। एक आखिरी आवाज उसे बताती है कि डिवाइन एसेंस तुम्हारी बॉडी में पूरी तरह समा चुका है, लेकिन जल्दी ही इसका असर खत्म हो जाएगा। वो आवाज उसे अपने लिए एक नई बॉडी ढूंढने को कहती है और बताती है कि इसके लिए तुम्हारे पास सुबह तक का वक्त है, वरना तुम्हारी सोल भी आफ्टर लाइफ में चली जाएगी। वू गैंग ये सुनकर भागने लगता है और देखता है कि रास्ते में बहुत सारी बॉडीज पड़ी हैं। वो अपने लिए एक सुटेबल बॉडी ढूंढने लगता है और देखता है कि उसकी सोल धीरे धीरे गायब हो रही है। तभी उसकी नज़र आसमान पर पड़ती है और वो देखता है कि सूरज निकलने वाला है। बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कोई सुटेबल बॉडी नहीं मिलती और उसे लगता है कि शायद उसकी माँ का सैक्रिफाइस वेस्ट हो जाएगा। वो और तेजी से भागने लगता है और एक जगह धूप में पैर पड़ते ही उसकी सोल वेपोराइज होने लगती है। वो समझ जाता है कि उसके पास बहुत कम टाइम बचा है और तभी उसे कुएं के पास पड़ी एक बॉडी दिखाई देती है। वो तुरंत उसी तरफ जाता है और उछल कर उस बॉडी को छू लेता है। जल्दी ही उस बॉडी में जान आ जाती है और वू गैंग एक टब में रखे पानी से अपना मुंह धोने लगता है।
तभी वो देखता है कि ये शक्ल कुछ जानी पहचानी है और यहाँ हम उसका एक फ्लैशबैक देखते हैं। यहाँ वो इसी लड़के के साथ प्रैक्टिस कर रहा है जो असल में एक मजदूर का बेटा है और फाइट में उससे हार जाता है। अपनी हार से गुस्सा होकर वो उस गुलाम को पकड़ने को बोलता है और कहता है कि एक प्रिंस को इंसल्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर एक स्टिक से वो उसे बहुत मारता है और लोग चाहकर भी उसे नहीं रोक पाते। तभी वो लड़का वू गैंग पर काउंटर अटैक करता है और कहता है कि ये सारी ताकत और घमंड तुम्हारे पिता का दिया हुआ है। ये सुनकर वू गैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी डैगर से उसकी एक आँख खराब कर देता है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है और वू गैंग को विश्वास नहीं होता कि किस्मत ने ये कैसा खेल खेला है। वो देखता है कि इस बॉडी पर बहुत गहरे घाव हैं और समझ जाता है कि इस पर किसी ने पीछे से हमला किया था। डाजी की आखिरी डिवाइन पावर उस घाव को भर देती है और वो एकदम पहले जैसा हो जाता है। तभी उसकी नजर जीफा के सैनिकों पर पड़ती है और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए एक लड़की वहाँ आकर उसे अपने साथ ले जाती है। वो बताती है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी और अगर सोल्जर्स ने हमें पकड़ लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो उसे बचाकर एक शेड में ले आती है और कहती है कि हमें कुछ देर यहीं इंतजार करना होगा। वो गैंग उससे उसका नाम पूछता है और उस लड़की को लगता है कि शायद वो मजाक कर रहा है। वो गैंग भी समझ जाता है कि ये शायद इस गुलाम को पहले से जानती है और वो नाटक करता है कि चोट लगने से उसकी याददाश्त चली गई है। वो उससे अपनी मदद करने को कहता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बताना होगा। तब वो लड़की बताती है कि तुम्हारा नाम एगो है और तुम्हारे पिता एक कारपेंटर थे लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो गैंग ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि एक तो चाइनीज में एगो का मतलब डॉग होता है और दूसरा उसे लगता है कि एक कारपेंटर का बेटा होना उसकी शान के खिलाफ है। वो मन ही मन ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी असली पहचान कभी नहीं भूलेगा। आगे वो लड़की अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम बाई है और मैं तुम्हारी फियोंसे हूँ और अब इस दुनिया में मेरे अलावा तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है। वो बताती है कि बचपन से ही हम दोनों एक साथ हैं और तुम्हारे पिता ने ही हमारा ये रिश्ता कराया था। वो गैंग कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा और हमें तुरंत ये शहर छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। बाई भी उसकी बात मान जाती है और वो दोनों वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे हम जीफा को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ डाजी और वो गैंग को ढूंढ रहा है। एक सोल्जर बताता है कि नीचे एक लेडी और बच्चे की बॉडी पड़ी है और उन्हें लगता है कि ये डाजी और उसका बेटा ही है। वो बताते हैं कि टावर पर वो दोनों अकेले ही थे और शायद बचने के लिए उन्होंने आग में छलांग लगा दी। जीफा को उनके मरने का बहुत दुख होता है लेकिन वो कहता है कि पकड़े जाने से तो उनका मरना ही अच्छा है वरना देवता उन्हें भयानक सजा देते। तभी टियान का मैसेंजर जुआन वहाँ आता है और कहता है कि हेवन के दुश्मनों को यही सजा मिलनी चाहिए। फिर वो जीफा को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि अब से दुनिया तुम्हें टियान के बेटे के नाम से जानेगी और इतिहास में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि उन्होंने जीशा और उसके आदमियों को क्रॉस पर टांग दिया है ताकि बाकी इंसानों को इससे सबक मिल सके। इधर वो गैंग और बाई शेड से बाहर आते हैं लेकिन वहाँ दो वुल्फ उन पर अटैक कर देते हैं। वो गैंग बाई को वहाँ से भागने को बोलता है और किसी तरह एक वुल्फ को रास्ते से हटा देता है। दूसरे वुल्फ से बचने के लिए वो भागने लगता है लेकिन एक सोल्जर सामने आकर उसे बेहोश कर देता है। सपने में वो अपने डैड से मिलता है लेकिन वो बिना कुछ बताए वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो अपनी रिफ्लेक्शन देखता है जो एगो के जैसी है और कहता है कि ये सब सच नहीं हो सकता क्योंकि मैं शैंग किंगडम का प्रिंस वो गैंग हूँ। तभी उसकी आँख खुल जाती है और वो देखता है कि सोल्जर्स ने उन्हें बंदी बना लिया है। वो देखता है कि उनके साथ और भी लोग कैद हैं और बाई बताती है कि सर पर चोट लगने के कारण तुम दो दिन से बेहोश थे। एक लड़का कहता है कि तुम बहुत लकी हो और तुम्हारी वाइफ पूरे रास्ते तुम्हारी केयर कर रही थी। वो गैंग पूछता है कि आखिर ये लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं और सोल्जर से खुद को बाहर निकालने को कहता है। तब एक लड़का कहता है कि चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है और हमारी तरह अब तुम भी जीफा के गुलाम बन चुके हो। वो बताता है कि ये हमें नॉर्दर्न माइंस ले जाएंगे और वो जगह एक नरक के जैसी है। उसके पिता भी बहुत साल पहले वहाँ काम करने गए थे लेकिन कोई नहीं जानता कि अब वो कहाँ है। वो गैंग आसमान की तरफ देखता है और वो लड़का कहता है कि जितना देख सकते हो देख लो क्योंकि अंदर जाने के बाद तुम ये नज़ारा कभी नहीं देख पाओगे। जल्दी ही वो लोग माइंस तक पहुँच जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
थैंक यू।